क्या आपका नेटवर्क भी 5G से ऑटोमेटिकली 4G में स्विच होता रहता है? तो हम आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन लेकर आए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंटरफेस आपको इस ऐप का देखने को मिलेगा। आपको जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सेट 5G ओनली पे क्लिक करना है। जी हाँ, ओपन करने के बाद ही आप इस पे क्लिक कर पाएंगे ना। तो ओपन कीजिए, सेट 5G ओनली पे क्लिक कीजिए। आपको सबसे ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेंगे फ़ोन जीरो, इस पे क्लिक करेंगे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन वन। फोन जीरो का मतलब होता है सिम वन और फोन वन का मतलब होता है सिम टू। तो अगर आपको सिम वन में अपना 5G सेलेक्ट करना है तो फोन जीरो सेलेक्ट कीजिए, और सिम टू में सेलेक्ट करना है तो फोन वन सेलेक्ट कीजिए। तो हमारे सिम टू को हमको 5G में सेलेक्ट करना है, तो हम फोन वन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम नीचे आएंगे, हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ढेरों सारे ऑप्शन उपलब्ध होंगे। हमको क्या करना है, NR ओनली सेलेक्ट करना है और इसको आपको रिसेंट से हटा देना है। अब आपका फोन ओनली 5G पे सेलेक्ट हो गया। अगर आपके नेटवर्क 5G नहीं है वहां पे, तो आपको वहां पर नेटवर्क नहीं आएगा। मेरा मतलब आपके सिम में कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने ओनली 5G सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आप ऐसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर 5G अवेलेबल नहीं है, ओनली 4G अवेलेबल है या अदर नेटवर्क अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको अपने नेटवर्क को फिर से रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। अपने सेटिंग्स में जाने के बाद आप या तो सर्च बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नेटवर्क सेटिंग में जाके वहाँ पे उस सिम को सेलेक्ट करें जिसमें आपने 5G सेलेक्ट कर रखा है। हम सिम टू को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिम सेलेक्ट कर देने के बाद हमको एक ऑप्शन ढूंढना है नेटवर्क टाइप का। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमारे फ़ोन में नेटवर्क टाइप का ऑप्शन आ गया, आपको वहाँ पर ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, दिखेगा कि 4G है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। आपको उस आइकन पे क्लिक करना है, नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तो 5G का, एक 4G का। आपको क्या करना है, 4G सिलेक्ट करना है, फिर 5G सिलेक्ट करना है, फिर 4G सिलेक्ट करना है, फिर 5G सिलेक्ट करना है। बस अब रिसेंट से हटा दीजिए, आपका नेटवर्क रिसेट हो गया है। अब आपको जो कोई भी नेटवर्क वहाँ पे उस एरिया में अवेलेबल होगा वो आपके फ़ोन में आ जाएगा, चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, आपको उपलब्ध हो जाएगा। बट एक बात खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फिर से 5G को सेट करना पड़ेगा, अगर 5G ओनली अगर आपको चाहिए, नहीं तो फिर से आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली जब कॉल आएगी तो 4G में कन्वर्ट हो जाएगा, या जब थोड़ा सा भी नेटवर्क वीक होगा तो आपका नेटवर्क 4G में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका डाटा भी खर्च हो जाएगा और आपका इंटरनेट भी स्लो काम करेगा। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे करके अवश्य जाइएगा। और हाँ, अगर आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है तो हमने इसी वीडियो का एक शॉर्ट वर्जन भी बना के डाला हुआ है हमारे शॉर्ट चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, उसमें डिटेल से हम आपको चीज़ें नहीं समझा सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको पसंद हो, उस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।